कंगा है बट्टे इसमें मैं आपको लड़का बना के रखना चाहूंगा ना कि लड़की जो आप पायल बन लो। आप मेरे लड़के हो। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कुशल मंगल होंगे। मैं नहाली सुबह से लगी हुई हूँ काम में। आज इतना काम था बहुत ज़्यादा, मैं कुछ और भी करने के लिए सोच रही थी पर नहीं कर पाई क्योंकि घर में है ना, आप समझ ही सकते हो सभी के घरों में बहुत काम रहते हैं। पूरे दिन इन काम को ख़त्म करने में दिन ऐसे ही भाग जाता है, फिर थक जाता है आदमी, थोड़ी बहुत लेटने के लिए भी मन करता है। ओके, अब मैं इतनी थक चुकी हूँ बहुत, मेरा मन कर रहा था कि मैं लेट जाऊँ। और अपनी जो है मैंने सर धोया, मेरे बालों का पता नहीं क्या बना दिया, आप लोगों को दिखाएगी क्या बना दिया बाद में। और फिलहाल मैं पहले बच्चों के लिए दूध लाती हूँ, जाके सुबह से दूध नहीं आया, आज अभी दूध लेके आऊंगी। ओके सर, ओके सर, बस दूध लेके आकर इनके लिए फिर चाय बनाऊंगी। तीसरे पैर की वही 3 बज जाएंगे, अभी देख लो 2 बजने में। अरे बस बाबूजी, 2 बजने में 10 मिनट है, अभी तक काम खत्म हुआ है, सुबह से लग रही हूँ। और ब्लॉग है ना, मैंने सुबह स्टार्ट कर लिया था। दरअसल क्या है, आज की पूजा पाठ भी हमने नहीं किया है कान्हा जी की। अच्छा है, कान्हा जी को नहाने का भी और पूजा का भी आज हमने नहीं करा। मुझे बहुत काम था, बहुत सारे कपड़े धोने थे। पीछे आप देख सकते हो, इस साइड है ना, कुछ इस साइड होंगे। हाँ इस साइड ही है। और हाँ कर लो, और छत पे पड़े हैं काफी सारे, मतलब बहुत धुए, थक गई मैं। अब मेरी हिम्मत नहीं हुई कुछ भी करने की, पर भूख भी लग रही है। अदरक लेना याद ही नहीं रहा, मेरा अदरक वाला कह भी रहा था ले लो जी, भूल गई मैं। जब 70 जगह दिमाग रहा है भूल गया आदमी। पता नहीं रखी होगी, वो दिन थी भी पता नहीं कहाँ रखी मैंने, मैं भी ध्यान ना। मैं बस हाथ ढक रहे, अमनु मान लो कि एक तरफ से लग रही और आगे आगे का फिराक का हिस्सा मारने का, समझ गए मैं क्या समझाना चाह रही, मतलब पीछे। शाम के खाने की करते हैं तैयारी, मूली का अचार बनाना है, तो ये अलग तरीके से बनाऊंगी क्योंकि जैसे 2-3 बार डाल लिया वो उस तरीके का नहीं बन रहा, तो वो जो सा मैं सोच रही हूँ उस तरीकों को बनाने के लिए मुझे कुछ अलग ही करना पड़ेगा। फिलहाल चलते हैं बाहर की साइड और धो लेते हैं पालक, और ये मटर टमाटर भी धोने हैं। पालक एक बास्केट में रितते हैं, पहले तो काफ़ी सारा साग बन जाएगा, 2 टाइम का काम आराम से हो जाएगा हमारा। थोड़ी बहुत देर लेट हो जाती है, और कल तो मुझे जो है एक दीदी है जो मेरे कॉन्टैक्ट में है, मुझसे बात कर दिया फ़ोन पे, उन्होंने 4:30 बजे 4:15 बजे के आसपास मुझे मैसेज किया कि आज क्या बात ज्योति, आज वीडियो नहीं डालनी क्या। फिर मेरे याद आई, मैं भूल जाती हूँ कभी, लेट हो जाता है। तो सबसे पहले हमने साग ही निकाल लिया, इसको अच्छे से धो लेते हैं, फिर इसको काटना शुरू करते हैं। तो चलिए बाहर चलते हैं, धूप में धो दिया है और इसको यहाँ चारपाई पर रख दिया इसको, जिससे इसका अच्छे से पानी नहीं चढ़ जाए। गोपाल जी भी धूप में बैठे हुए हैं, पानी नहीं चढ़ने देते हैं। मम्मी चारपाई अंदर डाल रही है अपनी, और यहाँ पर हमें सबसे पहले ठाना है चौक पर। जी हाँ, इस पर काटेंगे हम साग, एक ले लेते हैं भगोना जिसमें हम काट के रखेंगे, एक लेते हैं हम चक्कू। हमारे यहाँ पर है ना शहद की खुशबू आ रही है अंदर से स्टोर रूम में से, क्योंकि मक्खी लगी हुई है। चलिए साग काटते हैं। क्या चलो
टप्पा उड़ने मुझे नहीं कर रहा आने आ रही है अब नहीं अभी आने आ रही है आराम से आराम से आराम से क्या आ गए जाने करो क्या देखा था कपड़े तारो आपके पीछा हूँ क्या देख लिया आपने बकरी कहाँ दिखा लगनी शुरू होगी खड़ा होना पड़ेगा कहीं पानी ना निकल जाए गैस ना बांध दे किचन की दीवार भी बहुत खराब हो रही करवाऊंगे सही बेटा बाहर देखू था मैं तो यहाँ इतना गैस में पानी काट दिया चलो साफ करनी पड़ेगी और क्या यहाँ देखो तो भैया बाहर देखो या बाहर देखो या यहाँ देखो इतना दूसरा काम बढ़ जा पानी निकाल दिया गैस ने एक्स्ट्रा हो गया होगा कहीं सिटी लग चुकी है सिटी और बस गैस हो जो था भी स्टोल आते लगा वही ओढ़ लूँ मैं अभी ये वाला ओढ़ लिया साग निकाल लेते हैं और निकाल के मैं करूँगी भगोने में क्योंकि पिछली बार जब मैं साग जो है पीस रही थी मुझे किसी ने कमेंट करा था कि दीदी आप है ना गरम गरम साग जो है मिक्सी के जार में मत पीसा करो थोड़ा ठंडा करने के बाद पीसा करो तो आज मैं वही करूँगी पानी निकाल रही हूँ इसका साग निकाल लेती हूँ पानी पानी सा कुकर में छोड़ दूँगी और फिर इसको पीसते में थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इतना लहसुन प्याज छील लेंगे काट लेंगे छोटी छोटी आशा है आजा मूंगफली खा लो आप सब भी अभी यहाँ पर सरसों का सूरी पालक का साग बनाने वाली हूँ मैं निखालिस पालक का तो ये थोड़ा सा जो है ना ठंडा हो चुका था भाप तो देखो काफ़ी टाइम तक निकलती रहती है अभी उसके बाद मैं इसको मिक्सी के जार में डाल रही हूँ ये पानी भी साग का मैं इसमें डाल देती हूँ क्योंकि बहुत पान नहीं दो दो जगह साग छोंकने जा रही हूँ यहाँ पर जीरा डाल दिया थोड़ा सा इसका ऑयल जो है भी गर्म होने लग रहा है दो जगह साग में तड़का क्यों लगा रही हूँ आप लोगों को बताऊँगी आगे वीडियो में ये गैस का चूल्हा पता नहीं मंदा चल रहा था बुआ कुछ ठीक सा जीरा भुन जाएगा अच्छे से और थोड़ा सा वो डाल देते हैं थोड़ा सा कम लग रहा है उसको होने में टाइम लगेगा ये बहुत जल्दी से भुन जाएगा तो ये वाला जो है ना हो चुका है गैस बिल्कुल स्लो कर दिया मैंने इसमें साग डाल लेते हैं बस इतना सा ही सोचना है मुझे ज़्यादा नहीं इसमें मसाले डालते हैं धनिया कलर वाली मिर्च और भाई नमक हल्की सी मिर्ची मसालेदार नमक फिर चम्मच नहीं है अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसको खदकने देते हैं चलते हैं दूसरी गैस की साइड ऑयल गर्म हो चुका है लहसुन प्याज हमने पीस लिए थे थोड़े मोटे ही हैं ज़्यादा बारीक नहीं पीसे मैंने तो चलिए ऑयल गर्म तो छोंक को अच्छे से पका लेते हैं और ये भी ऑयल काफ़ी अच्छे से गर्म हो चुका था मैं उल्टा चमचा कभी कभी चला देती हूँ तो देखो है ना मुझे किसी ने कमेंट किया था कि उल्टा चमचा चलाती है चला देती हूँ देखो मैं कभी कभी ऐसे शौक के लिए हिला है ना थोड़ी पर जा कर बना दे बंद कर में होगी होगी कर बंद बन चुका है गैस ऑफ करते हैं देखो चल गई अब करीबन आज जो साग मैं पंजाबी तड़के में बनाने की कोशिश कर रही हूँ और यहाँ पर हमारा छोंक भुन चुका है टमाटर हमने इसमें डाल दिया है एक टमाटर जो हमने मोटा मोटा काटा है
ज़्यादा बारीक नहीं। अगर आप साग में टमाटर डाल के खा के देखो ना, या फिर जैसे सादा साग बना के बाद में टमाटर का तड़का लगा के देखो भाई, इतना लाजवाब साग लगता है, बहुत लाजवाब। और आज मैं टमाटर डाल के बना रही हूँ। ऐसा इससे पहले कि कोई कमेंट करे कि साग में टमाटर कौन डालता है, आप डाल कर देखना और फिर खा के देखना, तब मुझे बताना। तो यहाँ पर अभी हमने इसमें साग डाल दिया, पंजाबी तड़के से हम साग बना रहे थे आज, और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इसमें हमने धनिया, कलर वाली मिर्च, नमक और ये सब चीज़ें ऐड करी हैं। हल्दी को छोड़ के बाकी सारे मसाले मैंने इसमें डाल लिए हैं, क्योंकि हल्दी तो डलती नहीं है, ये बात मैं पहले ही बता देती हूँ। क्योंकि इससे पहले कि कोई बोले कि दीदी आपने सारे मसाले बोला है, तो हल्दी छोड़ के अभी यहाँ पर इसको अच्छे से चला देते हैं। और अभी इसमें एक तड़का और लगेगा, तो इसको उबलने देते हैं, मतलब अच्छे से खदकने देते हैं। मसालेदानी उठा के रख देती हूँ, और कुकर हो गया, कई सारे बर्तन और भी हो जाते हैं। दरअसल क्या है, दो तीन दिन से क्या हो रहा है, कूचना नहीं है बर्तन साफ़ करने वाला, तो कूचने के बिना बर्तन जो है अच्छे से साफ़ नहीं होते हैं। दुकान से जाऊंगी लाऊंगी, छोटी मोटी चीज़ें तो हर टाइम घर में कुछ ना कुछ सपड़ी रहती है। शैम्पू हो गया, कभी साबुन होगी, कभी बर्तन मांजने की साबुन होगी, कभी नहाने की, हम लोगों को तो कुछ ना कुछ इधर उधर सारे दिन यही रहता है। और यहाँ पर जो है ना, बाबूजी गोपाल जी बैठे हुए थे, उनको उठा लाए, बस ठीक है। हमारे बच्चे देखो, बहुत लोग कमेंट करते हैं कि भगवान को भगवान की तरीके से रखो। हमारे बेटा भी है ना, इतनी बात जानने लगा है कि अगर हम कुछ बनाते हैं तो पहले बोलता है कि बाबा को खुला दो, बाबा को भोग लगाना है, बाबा को खुआना है। मम्मी मैं बाबा को खिला दूँ? मैं कहा, हाँ बेटा, बाबा को सर्दी लग रही है, टोपा उड़ा दूँ? इतनी बातें वो भी जानने लगा है कि ये हमारे घर के सदस्य है, भगवान जी है, अब हम कैसे इनको रखते हैं, कैसे खुआते हैं, वो चीज़ भी अब वो ध्यान देने लगा है। तो जैसा देखता है बच्चा वैसे सीखता है। मेरा थोड़ा सा ज़्यादा ये रहता है, अभी कायरव छोटा है कि मैं उसको अच्छे से मेंटेन कर सकूँ, उसे थोड़ा बहुत। अब की बार स्कूल जाने लगेगा और ज़्यादा हो जाएगा, अभी बहुत बहुत बात कर देता है, छोटा है अभी, इतनी समझ नहीं है। बहुत समझाती हूँ, बहुत चीज़ें बताती हूँ, ऐसा नहीं कि पढ़ाते भी उसको थोड़ी बहुत देर। आगे आगे वीडियो में सब आपको देखने के लिए मिलेगा, मैं सब चीज़ें उसकी शेयर करने की कोशिश करती हूँ। अगर वो तू से बोलता है तो उसको टोकती हूँ कि बेटा तू क्या होता है, आप होता है, ऐसे नहीं बोलना। थोड़ा थोड़ा मैं उसको सब चीज़ें सिखाती हूँ, डॉग, बिल्ली, ये कैट है, ये अम्मा जी है, ये दीदी है, इनको नमस्ते करो। यहाँ तक कि अवनी को भी मैं दीदी बोलने के लिए बोलती हूँ उसे, पर धीरे धीरे ही उसे आदत पड़ेगी। और अभी जैसे जैसे मैं उसको सिखाऊंगी वैसे सीखता जाएगा। उसकी बोली पे मैं बहुत ध्यान रखती हूँ, पर छोटा बच्चा है भाई, देखो अकेले रखना पालना थोड़ी सी माँ को दिक्कत होती है, आप समझ सकते हो, इतना आसान नहीं है जितना दिखता है बच्चों के साथ में। पता, कभी कभी दोनों का झगड़ा होता है, कभी रोता है, कभी कुछ मांगता है, कभी कुछ करता है, यही रहता है। बीच बीच में काम छोड़ छोड़ के उनको देखना होता है। अभी यहाँ पर हमने लगा दिया है साग में पंजाबी स्टाइल का तड़का, पर एक चीज़ की कमी रही हमारे पास में है ना, लाल मिर्च थोड़ी सी कम थी। अगर साबुत 8 से 10 लाल मिर्च होती तो मज़ा आ जाता। हमने घी गरम करा, उसमें 3 से 4 लाल मिर्च डाल के तड़का लगा दिया। बाकी और थोड़ी सी कलर वाली मिर्च भी डाल सकते थे उस घी में, और भी ज़्यादा अच्छा लगता। तो यहाँ पर हमारा साग जो है वो बनकर तैयार हो चुका है, जो गोपाल जी के लिए बनाया था। वो एक कटोरी मेरी ताकि धर दिया। बाबू पानी मांग रहे थे, मेरे को पानी चाहिए, मैंने कहा अभी मैं देती हूँ आपको। मिक्सी उठा के रखी, एक दो सामान बाहर रखे थे वे उठा के रखे, बाल्टी जो है ना बच्चों ने अंदर रख रखी थी, टीवी का चैनल बदलने के लिए, सेटअप बॉक्स तक हाथ पहुँचाने के लिए बाल्टी रख रखी थी अवनी ने, ये उठा के लाई हूँ। क्योंकि स्टूल टूट गया है, और कभी कभी ऐसा होता है मैं बदल देती हूँ चैनल वगैरह, पर जैसे ऐड आ गए तो बच्चे थोड़ी बहुत देर देख रहे हैं, काफ़ी लंबे ऐड आ जाते हैं आप समझते हो, तो मैं नहीं बदल पाती, तो वो रख रखी थी वहाँ पे, ये उठा के लाई। मैंने कहा बेटा आपको चोट लग जाएगी, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं चेंज कर दूँगी। जब से इधर से उधर सारे दिन यही रहता है। अभी है ना, सारे कपड़े मैंने धुल दिए थे, जो मैंने नहा के निकाले थे वो कपड़े थे मेरे, इनको मैं अभी धो रही थी मशीन में। और कल बृहस्पति हो जाएगा, तो फिर बृहस्पति में मैं कपड़े नहीं धोऊंगी, तो इसी वजह से मैं सोचूंगी जो उनसे मैंने मशीन में डाल रखे थे, लाइट आ गई, इनको भी अच्छे से निचोड़ के अभी, और उसके बाद इनको भी अभी सुखा दूंगी मैं, मतलब खाट पे रख दूंगी तो सुबह सुखा दूंगी, या सुखाने वाली मशीन में छोड़ दूंगी। गोपाल जी के कपड़े जो हैं मैं हाथ से ही धो रही हूँ अब, जा सुखाने वाली मशीन में थे वो निकाल के लाई हूँ इधर। यहाँ का आयरन ट्रे की रखी थी, ये उठा के रखी। अभी ये कपड़े जो हैं कुछ टाइम तो पाइप इसमें चला है, अब इनको सुखाने वाली में डालूंगी और पाइप को भी, और वो अच्छे से वो है ना, मतलब एक बार निचड़ जाएगा पानी, उनमें निकल जाएगा, फिर उसके बाद इनको इसमें ही छोड़ दूंगी, सुबह सुखा दूंगी। सुबह कोई कपड़ा नहीं धोऊंगी, शुक्रवार को धोऊंगी, शुक्र में मेरा व्रत भी रहता है। और कपड़े लत्तों का काम तो देखो भाई, एक दिन बृहस्पति का यही रहता है कि मेरा बीत जाए,
अगर नहीं भीजता तो धोना पड़ता है इमरजेंसी में। और अभी यहाँ पे पाइप भी डाल दिया, उसमें कपड़े डाल दिए अच्छे से, है ना, पहले जो है जुकल जाएंगे, उसके बाद फिर मैं इनको निकाल लूँगी। वैसे तो मैं ज़्यादातर हाथ से ही जुकोलती हूँ कपड़े, कभी मशीन में ऐसे नहीं जुकोलती, पर जल्दी के काम में कभी कभी ऐसा चल जाता है। पानी बराबर चलाती रहती हूँ जब तक साफ़ पानी नहीं निकलता। अभी जो है ना कैंपर साफ़ कर रही हूँ, बर्तन साफ़ करने हैं, पानी भरना है कैंपर में, रोज़ का काम है कैंपर का, एक बार पानी चेंज करना पड़ता है। टूटी क्या टूट गई, बच्चों से निकलता नहीं पानी, इसमें से मैं ही निकाल के देती हूँ, या फिर वो ढक्कन खोल लेते हैं तो मतलब फिर मुझे ना एकदम से वो करना पड़ता है, अगर फिर एकदम भरना पड़ता है दोबारा से। और यहाँ पर अभी पानी भर रही हूँ, बर्तन साफ़ कर रही हूँ, साग एक बन गया, एक बनने लग रहा है, आटा लगाना है। अब नहीं आई है बाहर की साइड, थोड़ा सा बाहर का दिखाती है। अब सर्दी हो रही है ना, ज़्यादातर लोग कमी दिखाई देते हैं, सब घरों में रहते हैं, अभी भी थोड़े बहुत कमी दिखते हैं, मतलब निकलते हैं शाम के टाइम या धूप निकलती है जब। गाँव में तो आप सबको पता ही, 8-7 बजे तक सब सो जाते हैं। और ये जो आलू बोके रखे हुए थे इधर, देखो आलू निकलने शुरू हो गए हैं, और थोड़ा सा अभी आपको दिखा रहे हैं ना, और जो जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे सब आपको दिखाते जाएंगे हम लोग। मैं सोच रही हूँ कि घर में ना जगह जगह थोड़ी बहुत फुलवाड़ी बो दूँ टावर के पास पास, अच्छा लगेगा, बहुत गंदा हो रहा है, घास साफ़ कर लूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा घर में गंद सी हो रही है, थोड़ी सी धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी सफाई मुझे ही करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई करने वाला नहीं है, ना ही कोई करवाने वाला है। तो जब किसी की, जब कोई है ही नहीं, तो फिर किसी के ऊपर मुँह याद होना, अकेले ही करूँगी, देखूँगी जैसे भी होगा धीरे धीरे। पर मुझसे ना एकदम सारा घर का काम, बच्चों का भी, और ये घर की साफ़ सफाई का, बाहर का बगड़ का, मतलब जो है फावला चलाने में आप समझ सकते हो बहुत दिक्कत होती है, एकदम अकेले मुझ पर नहीं होगा, पर धीरे धीरे करूँगी। ये डॉगी को हम कितना ही धमका ले पर हमारे घर से नहीं निकलता, यहीं रहता है, हम रोज़ इसे रोटी डालते हैं, और जब भी हमें देख लेगा तो एकदम हमारे पाँव में पड़ जाएगा। काटता नहीं है मतलब, पर वैसे डांट देंगे तो चला जाएगा, रोटी खाएगा पर रहेगा ही, दिन में को 10 चक्कर ज़रूर लगाने हैं इसको। वो है ना भाई, देखो ये अनबोलते जीव है, ये बोल नहीं सकते, पर मुँह तो ये भी करते हैं आदमी का। और अभी जो है ना, आपको गोपाल जी से भी मिला दिया, बर्तन साफ़ करके ले आई मैं, कायरव बाबू अंदर खेल रहे हैं, और अभी जो है जितने भी बर्तन हैं वो सारे मैं लगा दूँगी जहाँ जहाँ मैं रखती हूँ। ये पोछा रखा हुआ था अंदर, मैंने कहा बेटा इसको बाहर रख के आना, अपनी को दिया। और ये देखो मैं मन गई थी 5 बजे, अभी तो थोड़ा थोड़ा चांदना है, इधर अंधेरा हो गया, पीछे देखते आप सूरज का चांदना पड़ रहा था। और ये मूली के छोटक है यहाँ पर, और पत्ते जो मतलब मैंने ना मूली का अचार डाला है, थोड़ा सा मूली का अचार है, साग छोंक दिया है, और मट्ठा है, मट्ठे को भी छोंक लगाएंगे, तो हमारे तो नहीं होता, हमने मंगाया था किसी के से, तो बस इन सारी चीज़ों को रेडी करके प्लेट तैयार करेंगे। पर अभी जो है ना मैं आटा बनाने के लिए पानी भर रही हूँ, तो चलिए बस मैं तो निकाल लेती हूँ इस टूंटी से, बच्चे से नहीं निकलता पानी इसमें से, आटा बनाने का काम रहेगा। इस टाइम में ना बहुत जल्दी जल्दी रहता है, झाड़ू वो सॉरी रोटी बनानी, दूध लाना, फिर बच्चों को दूध देना, बीच में और भी काम, कभी इधर देखना कभी उधर देखना, दोनों बीच में बच्चा भाई छोटे बच्चे के साथ में दरअसल क्या है, दोनों झगड़ रहे हैं, या फिर दोनों कुछ चाहिए खाने पीने को, या कायरो भाई आप समझ सकते हो वॉशरूम वगैरह जा रहा है, उसको भी देखना होता है बीच में, बच्चे को कहीं बिना मोजे के तो नहीं फिर रहा, कहीं जूते निकाल के तो नहीं फिर रहा, बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं छोटे बच्चों के साथ में। छोटे बच्चों को पालना इतना आसान नहीं है, भले ही वो अभी 4th साल में लग गया है, पर फिर भी अभी तो है ही, जब तक वो स्कूल जाना स्टार्ट नहीं करेगा तब तक तो मेरे साथ ऐसा ही रहेगा। अब की बार अप्रैल में मैं उसका एडमिशन करा दूँगी। आटा छान लिया है मैंने, और अभी आटा बना लेते हैं, साग हमारा जो है बनकर तैयार हो चुका है, आटा बना के रखूँगी और पहले जाके दूध लाऊँगी, सुबह शाम दूध लाना होता है, साग है, रोटी है और मट्ठा है, तो आप लोग आ जाइए खाने के लिए, मिलूँगी मैं आपको अगली वीडियो में। दिल से धन्यवाद करती हूँ मैं अपनी फैमिली का मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए, और कुसुम दीदी आपका थैंक यू, नई वीडियो में कुछ अच्छा सा कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए बाय।